नमस्कार। वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर मेरी एक और नई रचना। आज छुट्टी का दिन है, घर पे हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वादा किया है कि मैं रोज़ आपको मेरी रचना से मुखातिब कराऊंगा। आज एक ऐसी रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे घर के मेरा बेडरूम है, जहाँ मेरा होम थिएटर लगा है, वहाँ से शुरू होती है और घर के दरवाजे पर ठीक बाहर तक, जहाँ पर वो गेट चरमराता है, डोरवेल के पास में जब गेट खोलते हैं तो उसमें चरमराने की आवाज़ आती है, वहाँ तक कुछ भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। मुलाहिजा फरमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और बेहतर लिख सकूं और बेहतर आपके सामने पेश कर सकूं। तो मुलाहिजा फरमाइएगा कि मैंने तुझे मेरे घर के होम थिएटर में गुनगुनाते देखा है। मैंने तुझे मेरे घर के होम थिएटर में गुनगुनाते देखा है और गेस्ट रूम के सोफे पर तेरे होने का सदका चादरों की सलवटों को अक्सर बतियाते देखा है। डाइनिंग हॉल में टेबल पर कुछ प्लेट बिखरी हैं, कहीं वो तुम ही तो नहीं थी। कुछ कटोरी और चम्मचों को तीखा रायता खाते देखा है कि कहीं वो तुम ही तो नहीं थी कुछ कटोरी और चम्मचों को तीखा रायता खाते देखा है और उस कंप्यूटर के कीबोर्ड पर, मेरे दूसरे रूम में कंप्यूटर लगा है, तो उस कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तुम्हारी तो चल रही थी उंगलियां। मैंने स्क्रीन पर वहां कुछ शब्दों को सर उठाते देखा है। ड्रेसिंग टेबल के आईने में बाल बनाते तुम अचानक कहां गुम हुए। मैंने सुबह आईने को शर्माते देखा है कि ड्रेसिंग टेबल के आईने में बाल बनाते तुम अचानक कहां गुम हुए मैंने सुबह आईने को शर्माते देखा है मेरी कुर्सी के सामने वाली टेबल पर कभी कभार अचानक आकर बैठ जाते हो। मेरी कुर्सी के सामने वाली टेबल पर कभी कभार अचानक आकर बैठ जाते हो देर रात कलम को हिलते और कुछ कागजों को मैंने फड़फड़ाते देखा है कि देर रात कलम को हिलते और कुछ कागजों को मैंने फड़फड़ाते देखा है हंसते हुए देखा है तुम्हें घर के बगीचे में पॉर्च में आ गए हंसते हुए देखा है तुम्हें घर के बगीचे में फूलों के बीच मुस्कुराते हुए देखा है गमलों में देखी हैं अंकुरित उम्मीदें नव कोपलों में तुझे गुदगुदाते देखा है गमलों में देखी हैं अंकुरित उम्मीदें नव कोपलों में तुझे गुदगुदाते देखा है। कभी कभी महसूस हुई हवाओं में खुशबू की तरह वो तुझे अनार के दाने में खिलखिलाते देखा है। जब हंसते हैं तो दांत अनार के दानों की तरह चमकते हैं। तो अंकुरित उम्मीदें गमलों में देखी हैं नव कोपलों में तुझे गुदगुदाते देखा है कभी कभी महसूस हुई हवाओं में खुशबू की तरह वो तुझे अनार के दानों में खिलखिलाते देखा है उड़ते देखा है तितलियों सा भ्रमर का भरम बन मधु समेटे मधुमक्खियों सी तुझे दिल चुराते देखा है। जैसे मधुमक्खियां शहद चुरा के ले जाती हैं फूल से, ठीक वैसे कि मधु समेट मधुमक्खियों सी तुझे दिल चुराते देखा है और कभी कभी दरवाजे पर गेट की चूड़ियों में चरमराती हो तुम। गेट पे आवाज आती है जब गेट खोलते हैं, चरमराता है गेट। तो कभी कभी दरवाजे पर गेट की चूड़ियों में चरमराती हो तुम कुछ अनकही बातों को वहां बुदबुदाते देखा है। कुछ चरमराना नहीं है वो, कोई बातें हैं जो कुछ कहना चाहती हैं। तो गेट की चूड़ियों में चरमराती हो तुम कुछ अनकही बातों को वहां बुदबुदाते देखा है और डोरवेल में वो घंटी नहीं है तेरी आहटें छिपी हैं। मैंने कई बार वहां से कुछ परछाइयों को जाते देखा है कि डोरवेल की घंटी में घंटी नहीं है तेरी आहटें छुपी हैं। मैंने कई बार वहां से कुछ परछाइयों को जाते देखा है चढ़ती सुबह हो या ढलती शाम हर पहर धूप सांव सा तुझे घर पे आते जाते देखा है कि चढ़ती सुबह हो या ढलती शाम हर पहर धूप छांव सा तुझे घर पे आते जाते देखा है। तुम मेरे शब्दों में घुली हो अभी अभी तुम मुझसे मिली हो फैली हो देखो स्याही सी कागज पर ये तुम ही तो वहां बंद कमरे में हो जिसे मैंने मेरी गजल गाते देखा है। थैंक यू।